नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, इनके सारे सवाल मैंने पढ़ लिए, तो चलिए दोस्तों इनके पाम का एनालिसिस शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आपके हाथ में देखा जाए तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि आपके हाथ में मुझे आपकी भाग्य रेखा ठीक दिखती है, अच्छी दिखती है, बढ़िया दिखती है। ये आपकी भाग्य रेखा है, भाग्य रेखा बढ़िया है। और देखिए, आपके हाथ में सबसे बड़ी चीज एक मुझे राजयोग भी दिखता है। अब राजयोग किस तरह का, किस प्रकार का है देखिए। यदि आपके हाथ में देखेंगे तो एक भी क्रॉस, कोई कट का निशान और कोई भी राहु रेखा नहीं है। जब इस प्रकार के हाथ में योग बने और हाथ में कोई भी नेगेटिविटी ना हो तो उसको राजयोग ही बोला जाता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अपने दम पर मेहनत जब करते हैं तो भाग्योदय बहुत बढ़िया पाया जाता है। यह भी समझ सकते हैं कि इस रेखा के प्रभाव से आपकी जीवन शैली अच्छी रहेगी, आपको अपने जीवन में बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो कुछ पाएंगे अपने दम, अपने मेहनत के दम पर पाएंगे, समस्या आती है तो उनका निपटारा भी जल्दी कर लेंगे। तो इस तरह के योगी आपके हाथ में ये रेखा दिखाने वाली होती है। बाकी भाग्य रेखा देखिए शुरुआत में तो बहुत मजबूत है। ये आपके हाथ में कुछ निशान है क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भाग्य रेखा बहुत कमजोर है। ये जो एज रहेगी आपकी रहेगी 30 से 45 वर्ष तक की, 30 से 45 के बीच में आपको दिक्कत परेशानी रह सकती है, क्योंकि आपके हाथ में इस एरिया में भाग्य रेखा, आप इसको मिलाइए और इसको मिलाइए, यहाँ देखिए भाग्य रेखा तो टूट भी गई है, तो ये दिक्कत रह सकती है आपको जीवन में। इस एज में आपको जवानी के समय संघर्ष, दिक्कत परेशानी, या फिर जितना पैसा कमाना चाहते हो उतना पैसा ना कमा पाना, ये समस्या आपको रह सकती है। लेकिन बाद में अगर देखें तो भाग्य रेखा इसके आगे चली है और लास्ट में शनि पर आकर इसने फिश बना ली है। तो जीवन में संघर्ष जितना भी रहेगा, कुछ भी रहेगा, लेकिन आप अपने जीवन में बुढ़ापे के अंदर अपने करियर, अपने धन, अपने पैसे से आपको हैप्पीनेस, सेटिस्फेक्शन मिलेगा और आप सेटिस्फाई होंगे कि मेरे को जितना पैसा कमाना था शायद उतना पैसा कमा चुका हूँ। ये चीज़ आपके हाथ में देखने को मिलने वाली रहेंगी। तो आपके हाथ की रेखा ठीक है, बढ़िया है, मजबूत है, कोई दिक्कत इसमें नहीं दिखती है। रेखाओं से लाभ भी आपको दिखने वाला रहेगा। बाकी अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये आपके हाथ का शुक्र का हिस्सा है। शुक्र का हिस्सा मुझे आपके हाथ में काफी बढ़िया दिखता है। देखिए शुक्र पर्वत क्या शो करता है, जब हाथ में शुक्र पर्वत इस प्रकार का होता है, व्यक्ति को ट्रेंड के साथ आगे बढ़ना, टेक्नोलॉजी का करना, नए नए कपड़े पहनना, नई नई चीज़ों का शौक रखना और हमेशा अपने जीवन में नए नए कार्य करते रहना, इस तरह की योग रेखा दिखाने वाली रहेगी आपके हाथ में। तो ये योग यहाँ पर आपके हाथ में मुझे सही सही दिखते हैं। शुक्र आपके हाथ के बहुत मजबूत अवस्था में है। जितनी मजबूत शुरुआत में जीवन रेख जितनी मजबूत शुरुआत में आपकी भाग्य रेखा है, उतनी मजबूती मुझे आपके हाथ में आपकी जीवन रेखा में दिखती है। जीवन रेखा भी बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ से चली इस प्रकार से और अंत में घूम गई। देखिए जीवन रेखा अच्छी है, मजबूत है, जीवन शक्ति भरपूर रहेगी और अपने जीवन में जब जब परमात्मा से आप कुछ रोग मुक्त जीवन रहेगा और समस्या जीवन में नहीं आएगी किसी भी रूप में, कैसे भी जीवन लंबा अच्छा परमात्मा ने जितना जीवन दिया है वो पूर्ण जीवन आप जीने वाले रहेंगे। आपके हाथ में जीवन रेखा में मुझे काफी मजबूती दिखती है। तो जीवन रेखा आपके हाथ की बहुत बढ़िया अवस्था में है। ये आपके हाथ में अंगूठा है, अंगूठे पर आपके हाथ में आड़ी रेखा है। यहाँ पर ये दिखाती है कि आपका लॉजिक सेंस और आपकी तर्क शक्ति बहुत बढ़िया रहेगी, अपनी बात को लॉजिक के साथ रखने की क्षमता जो है आपके अंदर वो बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया अवस्था में यहाँ पर मैं देख पाता हूँ। अंगूठा पतला है ऊपर से, तो मित्रतापूर्ण व्यवहार आपका रहने वाला रहेगा जीवन में। इसके अलावा यदि आपकी मस्तिष्क रेखा देखें तो मस्तिष्क रेखा बहुत सीधी है, बहुत स्ट्रेट है, बहुत मजबूत है। देखिए मस्तिष्क रेखा आपकी बुद्धि, आपके गुण, आपके ज्ञान, आपके विवेक को दिखाती है। मस्तिष्क रेखा बहुत बढ़िया है, आपके अंदर बातों को सीखने, सोचने, समझने की क्षमता बहुत बढ़िया है, आपका लॉजिक सेंस बहुत अच्छा है, आपकी लर्निंग स्किल्स, आपकी एजुकेशन, आपका बिहेवियर, आपकी डिसीजन टेकिंग स्किल्स अच्छी हैं। बहुत जीवन रेखा बहुत सीधी है, तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रहेगा। इसका मतलब आप यह भी समझ सकते हैं कि इस मस्तिष्क रेखा की वजह से आपके साथ चालाकी करना मुश्किल होगा और बहुत सारे लाभ आपको मस्तिष्क का देने वाली रहेगी। ओवरऑल मस्तिष्क का बढ़िया है, ठीक है, मजबूत है, तो कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं दिखती है। ये आपको थोड़ा बहुत जल्दबाजी में किए गए कार्यों से नुकसान देने वाली रहेगी और थोड़ा बहुत आपके अंदर संयम की कमी ये रेखा देगी, तो ये चीज़ आपके हाथ में यहाँ पर दिखती है। बाकी अगर देखेंगे तो हृदय रेखा में यहाँ पर यफ साइन, यहाँ पर भी यफ साइन है और हृदय रेखा जितनी मजबूत होनी चाहिए उतनी मजबूती में हृदय रेखा नहीं है। देखिए ये हृदय रेखा अच्छी नहीं होती है, हृदय रेखा अंतरात्मा, इंटरनल सोल की रेखा होती है। इसका मतलब साफ साफ यह देखा जाता है इस रेखा की वजह से ये आपकी पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब करेगी, चाहे स्वास्थ्य को लेकर हो, चाहे पैसे को लेकर हो,
परिवार को लेकर हो। मेजर जो प्रॉब्लम आती है वो स्वास्थ्य को लेकर आती है। पर्सनल लाइफ में बड़े बड़े डिस्टर्बेंस इस रेखा से दिखते हैं। आपको इसके रिगार्डिंग रेमेडीज दे दी जाएंगी, बट देखिए अगर ये साइन रहा तो आपको बहुत बड़ी बड़ी समस्या साइन की वजह से मिलेंगी, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये हृदय रेखा पर ये अपसाइन बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। ये अपसाइन व्यक्ति को हृदय रेखा पर अगर हो तो हार्ट इश्यूज, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और कमर दर्द, घुटनों का दर्द और बहुत सारी समस्या इस रेखा की वजह से मिलने वाली होती है। तो इसके रिगार्डिंग आपको उपाय दिए जाएंगे। आप मान सकते हैं कि ये रेखा व्यक्ति को कभी कभी ऑपरेशन भी करवा देती है। हृदय में से रेखा कुछ रेखा नीचे की ओर निकल कर आ रही है। जब ये रेखा नीचे की ओर निकल कर आती है इसका मतलब साफ साफ समझना चाहिए कि इस कॉम्बिनेशन की वजह से ऐसे कि जब भी किसी को पैसा देंगे, बड़ा पैसा, वो लौट कर आने के संकेत उसके कम होते हैं। या तो वो किस्तों में आता है या फिर वो बहुत समय बाद आता है, बहुत सालों बाद, जिससे उसकी अहमियत खत्म हो जाती है या आपको पैसा डेप्रिशिएट होना शुरू हो जाता है। तो ये समस्या भी आपके हाथ में एक मुझे मेजर दिखती है। इसके बाद अगर आपके हाथ में देखें तो इसके रेमेडीज करने पर आपको लाभ जरूर मिलेगा। यहाँ पर मछली जैसे बताया, ऐसे व्यक्ति अगर सत्य धर्म का साथ दें तो शनिदेव की साढ़ेसाती और ढैया में बड़े बड़े फायदे ऐसे व्यक्ति को मिल जाते हैं। यहाँ पर बृहस्पति अच्छे हैं, मजबूत हैं। दान दक्षिणा करने से, शिक्षा का दान करने से, अपने घर के बड़े जन और अपने गुरुओं की सेवा करने से ये रेखा बहुत अच्छे खासे लाभ आपको देने वाली रहेगी। सूर्य पर आएंगे तो सूर्य रेखा भी दिखती है। सूर्य रेखा अगर आपके हाथ में होती है तो ये आपको ठीक ठाक सरकारी लाभ, पॉलिटिकल लाभ देने वाली होती है। ऐसे व्यक्ति समाज में एक अच्छे नेम फेम वाले व्यक्ति होते हैं, समाज में एक समझदार व्यक्ति के रूप में ऐसे व्यक्ति जाने जाते हैं। तो इस रेखा से भी आपको लाभ देखने को जरूर मिलेंगे। सूर्यदेव को जल चढ़ाकर और अपने पिताजी की सेवा कर कर इस रेखा से बहुत बड़े बड़े भाग्योदय मैंने लोगों को देखे। तो सूर्यदेव की आराधना कर कर अपने घर में, अपने पूजा घर में सूर्यदेव की 7 घोड़ों वाली तस्वीर रखकर भी बहुत बड़ा भाग्योदय होता है। बुध पर भी आपके हाथ में सीधी खड़ी रेखा है, आपको अच्छा व्यापारी बनाती है। व्यापार से बहुत लाभ मिलेगा और ऐसे व्यक्ति की व्यापारिक क्षमता बहुत अच्छी होती है। बिजनेस करें तो लाभ जरूर देखने को मिलता है। तो बिजनेस सेंस भी ठीक ठाक और अच्छा खासा आपके हाथ में यहाँ पर देख पा रहा हूँ। बिजनेस से लाभ आपको जरूर देखने को मिलेंगे अपने जीवन में। बाकी अगर देखेंगे तो आपके हाथ में मुझे यहाँ पर धनुष आकार रेखा बनते दिखती है। ऐसे व्यक्ति अच्छे ऐसे व्यक्ति समझदार होते हैं और सही समय पर सही निर्णय लेना जानते हैं। जीवन में जल्दबाजी में आकर, भावनाओं में आकर, गुस्से में आकर कैसे भी गलत निर्णय शक्ति नहीं रहता। तो इस तरह के भी 6 योग यहाँ पर ये रेखा दिखाने वाली होती है। यदि आपके हाथ में आपकी वायु राशि दिखी है तो वायु राशि जैसे दिखती है मेरे को दिखाता हूँ। जैसे कि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। जब भी आपके ग्रहण राशि को अंदर गोचर करेंगे आपको इनसे बढ़िया और ठीक ठाक लाभ भी देखने को मिलने वाले रहेंगे। फाइनेंस खुले हुए हैं तो खर्चे ज्यादा रहेंगे। खर्चीला स्वभाव आपका बना रहेगा। जीवन भर खर्चे की प्रॉब्लम आपको हमेशा रहेगी। जितना पैसा सोचते हैं उतना पैसा जमा करने में जोड़ने आपको दिक्कत रहेगी। तो ये समस्या भी यहाँ पर आपके हाथ में दिखती है साफ साफ। बाकी अगर देखते हैं मणिबंध पर आपके हाथ में 3 रेखाएं हैं। देखिए जो किताबों में लिखा हुआ है मणिबंध के बारे में वो ये लिखा हुआ है अस्त्र रेखा किताबों में कि मणिबंध पर 3 रेखा वाले व्यक्ति के जीवन में उनकी उम्र 75 वर्ष पाई जाती है। लेकिन मैंने ऐसा कभी देखा नहीं है, लेकिन किताबों में लिखा हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। लेकिन हाँ इतना जरूर है कि जैसी जीवन रेखा है और ये मणिबंध की रेखा है तो उम्र आपकी पूर्ण है। जितनी उम्र परमात्मा द्वारा मिली हुई है पूरी आपकी व्यतीत होगी अच्छी कुशल अवस्था में और परिवार का पूरा साथ, चाहे बचपन हो, जवानी हो, बुढ़ापा हो, हर समय मिलने वाला रहेगा। बुढ़ापे के अंदर संतान की सेवा करने के भी ठीक ठाक योग आपके हाथ में यहाँ पर दिखते हैं। दोनों के लिए बराबर है। सेंसिटिव टाइप नेचर, छोटी छोटी बातों को जल्दी भाप लेना, इस तरह के योग ये रेखा देने वाली होती हैं। बुध की उंगली ठीक है बट छोटी पड़ रही, सूर्य नाखून बढ़ा लीजिए, उससे आपको लाभ रहेगा। ये रेखा दिखाती है कि जीवन में आपके आपको समस्याएं अगर आती हैं तो आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा है, आप समय को मैनेज कर पाते हैं कि किस समय क्या करना है, कहाँ पर जाना है, क्या नहीं करना है। तो टाइम मैनेजमेंट अच्छा है तो उससे आपको लाभ रहेगा। और मनी मैनेजमेंट की कितना पैसा अपने पास, इतना कितना किसी को देना है, मनी का मैनेजमेंट अच्छा कर पाएंगे बट ओवरऑल फिर भी खर्चे का स्वभाव रहेगा। एक अच्छी सेविंग्स के बाद भी खर्चे आपके ज़्यादा रहेंगे जीवन में, तो ये समस्या भी दिखती है आपके हाथ में। तो मैंने आपके पाम का एनालिसिस पूरा कर दिया है। आपके पाम की हालत यही थी कि जीव भाग्य कि आपकी भाग्य रेखा कमजोर है। इसके आपको उपाय दिए जाएंगे। इसके उपाय डेली करने पर, रेगुलर करने पर आपको लाभ जरूर से जरूर देखने को मिलेगा। आपका भाग्योदय हो जाएगा बट ये कमजोरी है तो समस्या आपको देगी। जो हमको उपाय देंगे वह डेली कीजिएगा। ऐसा मत कीजिएगा कि आपने हमसे उपाय सुने, आपने 2-3 महीने तक के बाद में छोड़ दिए, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। उपाय आपको डेली
डेली और हमेशा के लिए करने रहेंगे, तभी आपका भाग्योदय इस रेखा की वजह से होने वाला रहेगा। तो कोशिश कीजिए कि आप उपाय डेली करें। भाग्य रेखा हल्की सी कमजोर है, बट लाभ आपको बुढ़ापे के अंदर सेटिस्फाई कर देगी। और यहाँ पर हेल्थ इश्यूज भी दिखते हैं जो मैंने बताया था, तो भी समस्या रहेगी, उसका ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जीवन रेखा और बंधन योग भी लिखा हुआ है, ये मैंने ध्यान नहीं दिया बट अभी देखा, तो एक बंधन योग की समस्या भी रहेगी, इसके आपको उपाय दिए जाएंगे। जो बंधन योग खुलता है वो खुलता है आपके 32 वर्ष के आसपास, तो जब खुलेगा तो अचानक से बड़ा भाग्योदय ये रेखा देने वाली रहेगी आपको। वीडियो देखने के बाद कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई सवाल रह जाए पूछ लीजिएगा, हम आपके सारे डाउट सारे सवाल का जवाब देंगे डिटेल में, आप हम आपको ओवरऑल सेटिस्फाई करके भेजेंगे। अपना रिव्यू भी छोड़ दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, आप हमारे एनालिसिस से सेटिस्फाई नहीं है, कमेंट सेक्शन बता दीजिएगा इस वीडियो के, अपना रिव्यू और लोगों के लिए छोड़ दीजिएगा, जो भी आपका असली रिव्यू रहेगा सब सबके साथ शेयर कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा उपाय के बारे में लिख दीजिएगा कि उपाय दे दीजिए भाग्य रेखा के, एक बंधन योग के और एक इसके यहाँ पर जो यफ साइन बने हुए हैं इसके उपाय दे दीजिए, इसके आपको उपाय दे दिए जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।